सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अवैध शराब बिक्री को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने सहित आबकारी अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी और संयोजक अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में आबकारी विभाग के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजेश सोनी ने बताया कि जिले में अवैध शराब जगह जगह बिक रही है, शराब की बोतलों में पानी मिलाया जा रहा है और लोगों को नशे के लिए शराब की बोतलों में जहरीला पदार्थ डालकर शराब बेची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। आपने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध शराब का कारोबार जल्द बंद नहीं किया गया तो वे इसके खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। आज हमारे सिंगरौली जिले में जिस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी मिल के जगह जगह पे अंग्रेजी शराब की बोतलें बिछवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस शराब की बिक्री से हमारे सिंगरौली की जनता के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाएंगे दुकानों पे, छोटी छोटी दुकानों पे, मोहल्लों में, बस्तियों में शराब की बोतलें बिक रही हैं और उन शराब की बोतलों से डबल करने के लिए पानी मिलाया जाता है, पानी के साथ नशा भी चाहिए और नशे के लिए जहरीली पदार्थ का सेवन किया जाता है उस बोतल में, ताकि वो बोतल ज़्यादा से ज़्यादा नशा करे। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।